होली के पर्व पर शहर में अलग अलग जगह धूम दिखाई दे रही है। लोग बड़े ही उत्साहित होकर के जो है वो होली का त्यौहार मना रहे हैं। इस समय हम आप पहुंचे हुए हैं सेक्टर 16 पंजाबी भवन पे, जहां पर कि जो है वो फरीदाबाद स्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से यानी कि फीवा की तरफ से जो है वो होली मिलन के कार्यक्रम जो है वो की गई है। और इस फूलों की होली और बाकायदा तमाम राजनेता जो है वो इनके इस कार्यक्रम में यहाँ पे शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है वो जिला अध्यक्ष जो है वो गोपाल शर्मा यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। एक बार हम उनसे जान लेते हैं। शर्मा जी, आज यहाँ पे पहुंचे हो होली मिलन कार्यक्रम में, एक मिनट। देखिए, होली का महोत्सव है, फेवा ने ये आयोजन किया, हमेशा फेवा ये एसोसिएशन मनाती है होली महोत्सव। होली आनंद का ये उत्सव है और हम ब्रजभूमि में हैं, और ब्रजभूमि में आप जानते हो आनंद कंद श्री कृष्णचंद हैं, राधा रानी हैं, उनकी असीम कृपा सब लोगों पर हो, सब स्वस्थ रहें, सब प्रसन्न रहें, सब मस्त रहें और व्यस्त रहें, तो अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। तो निश्चित रूप से ये होली का जो पावन पर्व है, ये हम सबके लिए हितकारी, सबके लिए शुभ, और मैं तो कहता हूँ फूलों की होली खेलनी चाहिए। अभी मेरे भाई पूछ रहे थे कि रंगों की होली क्यों नहीं, क्योंकि रंगों में केमिकल आना शुरू हो गया। 7 रंग हमारे शरीर में रंग लगते थे तो हमारे कहीं ना कहीं चिकित्सीय प्रणाली के माध्यम से हमारे शरीर को स्वस्थ करते थे, परंतु ये केमिकल के रंगों से स्वास्थ्य को हानि होती है। इसलिए फूलों की महोत्सव, फूलों की होली ये मनाई जा रही है, मनाई जा रही है। मैं इसके लिए भी शुभकामनाएं और सबको शुभकामनाएं, सारे हमारे जो प्रधान हैं, आकाश जी हैं, देवल जी हैं और उनके साथी हैं, पूरे तमाम टीम को, उनको बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को यहाँ पर बिना भेदभाव के सब लोगों को, क्योंकि प्यार का महोत्सव है ये उत्सव, सबको बुला कर। देखिए, डीलरों की एक मांग भी है, एक डीलर मांग भी करते आ रहे हैं कि इनकी 4 मंजिल वाली जो इमारत पे रोक लगी है वो काफ़ी दुखी है उससे। निश्चित रूप से देखिए, परेशानी सबकी, सरकार तक, जिन लोगों ने कहा भी हमारे घर जो 4 मंजिल की वजह से जो साइड में जो मकान थे उनमें भी प्रॉब्लम आ रही, उनकी बात सुनना जरूरी, बिल्डर्स की बात सुनना जरूरी है, और समस्या हो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेंगे। देखिए, सबका काम चले, सबको व्यवसाय मिले, सबको आवास मिले, ये आवश्यक है, आवास भी मिलना सबके लिए आवश्यक है। तो माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, हमारा जो जिनके यहाँ मकान बन रहा वो भी ठीक रहें, हमारे बिल्डर्स भी ठीक रहें, आने वाले लोग, रहने वाले लोग सब ठीक रहें, इसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था, समुचित व्यवस्था बनाई जाएगी, सबके बैठकर काम किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे। कई व्यवस्था बनाई जाएगी। गुप्ता जी, आज पहुंचे हो आप, होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया आपकी तरफ से, किस तरीके का आयोजन है और क्या खास है? देखिए, होली एक खुशियों का त्यौहार है, ये आयोजन है कि एक ही छत के नीचे सारे अपने भाई लोगों को, व्यापारी लोगों को एक ही छत के नीचे लाया जाए, और जितने भी मन के अंदर या कोरोना के अंदर लेकर जितने भी एक दूसरे से दूरियां बन गई थी, किसी भी कारण से बन गई थी, वो सारी दूरियां ख़त्म करके आज गले मिलकर फूलों की होली मनाई जाए। मिलकर जो है वो फूलों की होली मनाई जा रही है, और आप देख सकते हैं कि ढोल पार्टी भी जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, जो है वो इस तरीके से जो है वो आज आयोजन किया गया है फीवा की तरफ से। और तमाम जो आला अधिकारी या फिर विधायक की बात कर दिया, अभी कुछ समय पहले इंद्र गुप्ता यहाँ पे पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं सभी लोग जो है इस होली के पर्व पर जो है वो बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, और बड़े ही धूमधाम से होली के पर्व को मनाया जा रहा है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब के सी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।